बच्चों के विवाद में परिवार में जमकर चली लाठियां। लाठियां चलने का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्यवाही कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों पहले इंदौर के कनाडिया थाना क्षेत्र में एक ही परिवार के 6 लोगों ने बच्चों के मामूली विवाद में दूसरे पक्ष के लोगों पर लाठियों से हमला कर दिया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से 6 लोग दूसरे पक्ष केशव परिवार वालों की पिटाई कर रहे हैं। वहीं कनाडिया थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट की गई है, जहां दोनों पक्षों के 6 लोगों पर पुलिस ने कार्यवाही कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बाकी के आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल यह मामला थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम टिगरिया राव का है, जहां 31 तारीख की रात लगभग 8 बजे एक ही परिवार के दो गुटों के बीच में आपसी विवाद और झगड़ा हुआ, मारपीट भी हुई। घटना का कारण बच्चों को खेलने की बात को लेकर यह घटना घटित हुई है, जिसमें कि दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के साथ मारपीट कर घटना कारित की गई। हमने दोनों ही पक्षों की रिपोर्ट पर दोनों पक्षों के 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं। इस घटना का जो मुख्य आरोपी है वह गिरफ्तार किया जा चुका है, बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं, जिन्हें अभी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, ये कब की घटना थी? यह 31 जनवरी के रात लगभग 8 बजे की घटना है। सर, कोई रिपोर्ट सामने आया जो आरोपी गिरफ्तार हुआ, उसका कोई रिपोर्ट सामने आया? जो आरोपी अमरजीत गिरफ्तार हुआ है, उसका कोई ऐसा प्रीवियस गंभीर रिकॉर्ड नहीं है। दोनों ही पक्ष खेतिहर किसान हैं और एक ही परिवार के हैं। सिर्फ आपसी मनमुटाव के चलते इस तरह की घटना घटित हुई है, जिसमें हमने कठोर कानूनी कार्रवाई की है।